हेलो यूट्यूब, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए टोयोटा रिवो वी। मैं करूँगा इस गाड़ी का फुल रिव्यू, आपको दिखाऊंगा इसका इंटीरियर एक्सटीरियर और बाद में आपको इसके इंजन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले इस गाड़ी की डायमेंशंस की बात करते हैं। 5335 mm इस गाड़ी की लेंथ है और 1855 mm इस गाड़ी की विड्थ है और 1815 mm इस गाड़ी की ओवरऑल हाइट है। इस गाड़ी की व्हील बेस 3090 mm है और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 286 mm आपको मिलती है। इसका कब वेट 1995 kg है और इसका ग्रॉस वेट 2910 kg है और इसका फ्यूल टैंक 80 लीटर फ्यूल स्टोरेज कैपेसिटी के साथ आता है। इसका टायर साइज 256/60 है और 18 इंच एलॉय व्हील्स इसमें इंस्टॉल्ड हैं। इस गाड़ी के मेन फीचर्स की बात करते हैं। इसके फ्रंट पर HID प्रोजेक्टर लैंप्स दिए गए हैं और इसकी हाई बीम हेलोजन बल्ब में है, DRL इसमें इंस्टॉल्ड हैं। टर्न सिग्नल हेलोजन बल्ब में है। इसके हेड लैंप्स में ऑटो लेवलिंग की ऑप्शन मौजूद है और इसमें LED फॉग लाइट्स इंस्टॉल्ड हैं। ब्रेक लाइट इसकी बैक पर हेलोजन बल्ब में प्रोवाइडेड है और इसके साथ ही नीचे टर्न सिग्नल मौजूद है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको इसमें LED में मिलेगा। इस गाड़ी में आपको रिवर्स कैमरा की ऑप्शन मिलती है। फ्रंट ग्रिल की अगर बात करें तो सिल्वर और ब्लैक कलर का कंट्रास्ट दिया गया है और हॉरिजॉन्टल शेप में ग्रिल के बिल्कुल दरमियान में टोयोटा का लोगो दिया गया है। इसकी फ्रंट पर वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक है और बैक पर ड्रम ब्रेक प्रोवाइडेड है। इलेक्ट्रॉनिकली ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन की ऑप्शन इसमें दी गई है। ABS की ऑप्शन इसमें दी गई है। डिफरेंशियल लॉक इस गाड़ी में मौजूद है। साइड मिरर्स आपको क्रोम फिनिश में मिलेंगे और LED इंडिकेटर लाइट्स इन पर मौजूद हैं। इमरजेंसी ब्रेक सिग्नल इसमें प्रोवाइडेड है। स्मार्ट की का ऑप्शन इसमें मौजूद है। डिफरेंशियल लॉक इस गाड़ी में मौजूद है। इसके डोर के ऊपर आपको ग्लॉसी फिनिश में ट्रिमिंग मिलेगी। इसका डोर हैंडल क्रोम फिनिश में मिलेगा, लॉक अनलॉक बटन और साथ ही डोर है जिसके ऊपर लेदर की पैडिंग की गई है। तमाम विंडोज़ आपको ऑटो मिलेंगी। इसका सेल्फ लॉकिंग सिस्टम और ये इसका विंडोज़ को लॉक करने के लिए बटन मौजूद है। ये इसके मिरर्स को फोल्ड और अनफोल्ड करने के लिए ऑप्शन है और ये इसकी मिरर्स की एडजस्टमेंट की ऑप्शन है। इसके साथ ही नीचे आपको एक स्पीकर मिल जाता है और एक स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है। इस गाड़ी में लेदर सीट्स प्रोवाइडेड हैं और सिर्फ ड्राइवर सीट ही इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन की ऑप्शन इसमें दी गई है। स्टीयरिंग व्हील की अगर बात की जाए तो इसमें हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग व्हील यूज किया गया है और ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल है। इसके साथ ही साथ आपको स्टीयरिंग व्हील के ऊपर मल्टीमीडिया कंट्रोल बटन्स दिए गए हैं और मल्टी इंफॉर्मेशनल डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए भी बटन्स दिए गए हैं। स्टीयरिंग व्हील इसका लेदर में प्रोवाइडेड है और उसके ऊपर आपको स्टिचिंग मिल जाएगी। ये एक 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील है जो कि सिल्वर और ब्लैक कलर में दिया गया है। इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें 7 इंच का सेमी टच में मौजूद है। उसके साथ ही एयर वेंट्स मौजूद हैं, उनके दरमियान में आपको डिजिटल क्लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। हैजर्ड लाइट स्विच और इस तरफ आपको एक एयर वेंट मिल जाएगा जिसके ऊपर सिल्वर कलर की ग्लॉसी आउटलाइनिंग दी गई है और मज़ीद आपको इसके डैशबोर्ड के ऊपर क्रोम की ट्रिमिंग मिलेगी। नीचे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, उसके साथ नीचे कप होल्डर्स दी। अगर इसकी ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये 6-स्पीड सिक्वेंशियल शिफ्ट के साथ आती है और इसके साथ ही आपको इको मोड का ऑप्शन मिलेगा और साथ ही पावर मोड का ऑप्शन भी मिल जाएगा। हैंड ब्रेक इसमें मैनुअल प्रोवाइडेड है और यहाँ पर एक छोटा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट है। ये इसकी फ्रंट आर्म रेस्ट है और इसके बीच में आपको 100 वॉट का पावर आउटलेट मिल जाता है। सेफ्टी की अगर बात की जाए तो इस गाड़ी में इमोबिलाइज़र और SRS एयरबैग्स की ऑप्शन मौजूद है। चलिए आपको इस गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन करके दिखाते हैं।
इसके सन वाइजर्स आपको मिरर्स के साथ मिलते हैं। और यहाँ पर आपको सनग्लासेस स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाएगा, इसके साथ ही आपको कैबिन लाइट मिलेगी फ्रंट के लिए। तो चलिए आपको इस गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाते हैं। यह रहा इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। दरमियान में मल्टी इन्फॉर्मेशनल डिस्प्ले स्क्रीन मौजूद है और यहाँ से आप इसकी स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसकी लेफ्ट साइड पर इंजन आरपीएम मीटर है जिसके नीचे हीट इंडिकेटर मौजूद है, और राइट साइड पर स्पीड मीटर मिलेगा आप। और इस गाड़ी की स्पीड 200 किलोमीटर तक लिमिट की गई है। और यह रहा इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल मौजूद है। और इसके साथ ही आपको इसकी हाई स्पीड टू व्हील कंट्रोल, हाई स्पीड फोर व्हील कंट्रोल, और यहाँ पर आपको L4 में चारों व्हील्स लॉक करने की ऑप्शन दी गई है। इसमें 2.8 लीटर डीजल इंजन इस्तेमाल किया गया है। किलोवाट प्रोड्यूस करता है 3400 आरपीएम पर, 450 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है 1600 से 2400 आरपीएम के दरमियान। इसकी एमिशन सर्टिफिकेशन यूरो 2 है। ओके गाइज, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।